मध्य प्रदेश के आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित किए जाने हैं। इसके लिए नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवा निवेशकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5,250 करोड़ की लागत से 3 सोलर पार्क लगाने के लिए कंपनीज का चयन हुआ है। इन तीनों सोलर प्लांट से प्रदेश और देश के संस्थानों को बिजली मिलेगी और साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं बिजली संकट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध खाली होने के कारण बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बिजली संकट है। प्राइम भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मित्रों, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में 5,250 करोड़ रुपए की लागत से 3 सोलर पार्क, आगर 550 मेगावाट का, शाजापुर 450 मेगावाट का और नीमच 500 मेगावाट का, कुल 1500 मेगावाट के 3 सोलर पावर पार्क लगाने के लिए कंपनीज का, निवेशकों का चयन हुआ है। और जो बिड हुई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें रेट्स भी, एक जमाना था जब सोलर एनर्जी के रेट 15-14 रुपया पर यूनिट हुआ करते थे, यहाँ 2.14 रुपया तक जो अब तक का सबसे कम रेट है वो आया है। ये तीनों सोलर पार्क से 1500 मेगावाट जो बिजली मिलेगी, उससे प्रदेश को भी बिजली मिलेगी, लेकिन ये बिजली जैसे सोलर पार्क जो हमारा रीवा का है वहाँ की दिल्ली मेट्रो तक को जाती है, तो भारतीय रेल से लेके बाकी को भी ये बिजली दी जा सकेगी। रोजगार के अवसर भी इसमें सृजित होंगे और हमारे कई नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा। परमानेंट तो 1500 के आसपास है, लेकिन निर्माण के काम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे। कंपनी अब ये भी चाह रही है कि वो सोलर पैनल और बाकी चीज़ें जो बनती है वो यहीं बनाने लगे मध्य प्रदेश में, उसके लिए भी रुचि उन्होंने दिखाई है। मध्य प्रदेश में भी बिजली की उपलब्धता, और ये बिजली क्लीन और ग्रीन है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से तो फिर पर्यावरण बिगड़ता है, क्योंकि कार्बन गैसों का उत्सर्जन होता है। ये क्लीन एनर्जी है और भविष्य के लिए भी हम इसी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि कोयला कम हो सकता है, बारिश हो सकता है ना हो, जैसा अभी हुआ कि नर्मदा जी के बांध पूरे खाली है, तो वहाँ से जो बिजली बननी चाहिए बांधों से, चाहे वो इंदिरा सागर हो, ओंकारेश्वर हो, सरदार सरोवर हो, बने नहीं रही। लेकिन सूरज तो अक्षय ऊर्जा हमें देता है और मध्य प्रदेश में 300 दिन चमकता है। मैं मानता हूँ कि जितना हम सोलर एनर्जी बनाएंगे उतना पर्यावरण भी सुधरेगा और बिजली की आवश्यकता भी पूरी होगी। सांची हमारा ऐसा शहर है जिसको पूरी तरह से ग्रीन सिटी हम लोग करेंगे और वहाँ ये ग्रीन ऊर्जा ही दी जाएगी और धीरे धीरे इसका और विस्तार करेंगे। मैं इस काम के लिए हमारे मंत्री विभाग के हरदीप जी को, संजय दुबे जी, सक्सेना जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।